पूर्णिया में युवा जागृति मंच ने किया 18 रक्त शिविर का आयोजन। रजनी चौक त्रिदेव विवाह भवन परिसर में युवा जागृति मंच की ओर से 18वीं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। विभिन्न संस्था के लोग भी इस शिविर में अपना निःशुल्क योगदान दिया। बारी बारी से महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संकल्प लिया और उन्होंने कहा रक्तदान महाकल्याण का नारा देते हुए, और सभी लोगों ने रक्तदान करने की अपील भी की। रक्तदान पे फोकस किए हुए हैं। अभी तक शहर में यह 18वां कैंप है, इसके पहले तक 17 कैंप तक 2500 करीब यूनिट ब्लड डोनेशन समाज के जरूरतमंदों के लिए करवाया गया है रक्तवीर भाइयों और बहनों के सहयोग से। जैसे कि पाला यदि रक्त किसी को जरूरत अवेलेबल हो तो सबसे पहले कार्तिक चौधरी का नाम आता, आखिर ये कार्तिक चौधरी का नाम क्यों आता? देखिए ये तो बस रक्तदाताओं भाई और बहनों का प्यार है, इतना बड़ा कार्य मेरे जिम्मे सौंपे हुए हैं और उन्हीं के भरोसे ये कार्य चल रहा है। ऊपर वाला का आशीर्वाद है, इस कार्य में हम और हमारी संस्था के मेंबर्स और सहयोगियों के भरोसे सदा कायम हों। ये संस्था तकरीबन अभी तक लग रहा है कि कब 50 क्या हजारों की जनसंख्या में ये जान बचाई होगी। जी जी निश्चित 2500 करीब करीब इससे ऊपर ब्लड डोनेशन हो चुका है और आज भी हो रही रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं, खास करके महिलाएं भी खुद जागरूक होकर। ऐसे तो मैं लोगों का संपर्क करता हूँ, बिना संपर्क किए भी महिलाएं आ रही है, ये पूर्णिया के लिए सौभाग्य की बात है कि महिलाएं घर से निकलकर रक्तदान करने आ रही है। बड़ा गर्व महसूस होता है जब वैसे महिलाएं बहने रक्तदान आकर करती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है युवा जागृति मंच द्वारा एक क्रेज जगाया गया है युवाओं में कि ब्लड डोनेट किया जाए, इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा एक सपना था पूर्णिया में रक्त की क्रांति लाने का, उस क्रांति लाने में हम सफल हो रहे हैं भाई बहनों के सहयोग से, और हम यही कोशिश रखते हैं कि अपना पूर्णिया का कम से कम ब्लड बैंक भरा रहे, जिससे जरूरतमंद मरीजों को सुगमता पूर्वक ब्लड मिल सके, किसी के सामने हाथाजोड़ी करना नहीं पड़े कि भाई मुझे ब्लड दीजिए ब्लड दीजिए। अगर ब्लड बैंक भरा रहेगा तो जो बड़े पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन वगैरह हैं, वो भी उस जरूरतमंद मरीज को लिखते हैं और ब्लड मिलता है। फिर हमारे संस्था के माध्यम से भी लोगों को रक्तवीर भाइयों के डोनर कार्ड से रक्त उपलब्ध सुगमता पूर्वक हो जाता है। जैसे कि कुछ मरीज से भी हमें मुलाकात हुई थी, जैसे कि एक पटना के मैं जा रहा हूँ तो उस अनुसार एक मरीज से मुलाकात हुई थी, उसके द्वारा कहा गया था मुझे ब्लड नहीं मिल रही थी, उस अनुसार किसी ने मुझे कार्तिक चौधरी का नंबर दिया और मुझे 10 से 15 मिनट ब्लड अवेलेबल हो गया, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कहा ये बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और भाई बहनों का सहयोग है कि इतना बड़ा कार्य सबों के सहयोग से हो रहा है, मैं तो माध्यम मात्र हूँ। जैसे कि ये 18वां विचारक दान शिविर है तो ये कितने कितने दिनों पे शिविर चलता है? हर 3 महीने पे संस्था द्वारा 4 ब्लड कैंप लगाया जाता है, उसके बीच में भी छोटे छोटे कैंप हम प्रयासरत रहते हैं। जितने भी शैक्षणिक संस्थान हो चाहे औद्योगिक संस्थान हो, उनसे आग्रह करते हैं कि अपने प्रतिष्ठान के आवासीय जगह पर भी आप कैंप लगाइए और रक्तदान करवाइए, जिससे जरूरतमंदों की जान बचे। जैसे कि कार्तिक चौधरी जी कुछ दिन पहले आपको प्राइज भी मिल चुका है सरकार द्वारा, ये देखिए अभी नोएडा में प्रशिक्षण कार्यक्रम था, वर्कशॉप था ब्लड डोनेशन की, ऑल इंडिया ब्लड डोनेशन कमेटी, वहाँ भी हम लोग को बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे, वहाँ बहुत सारी चीज सीखने को मिला, जो कर रहे कर ही रहे। देखिए लोग कहते हैं मनुष्य की जिंदगी हर समय सीखने के लिए होती है, तो कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके सेवा समाज सेवा कर सके। जैसे कि पूर्णिया में भी बहुत सारा डोनेट कैंप भी है, ब्लड डोनेट कैंप भी है, जिस तरह और सबसे बड़ा नाम कार्तिक चौधरी का और युवा रक्त का जो क्यों आ रहा है युवा जागरूकता है, तो बस रक्तवीर भाइयों बहनों का सहयोग है कि मेरे एक संपर्क करने पर अपना सारा जरूरी काम छोड़कर रक्तदान करने आते हैं एक फोन पर। ये बहुत बड़े गर्व की बात है संस्था के लिए भी और पूर्णिया के समाज के लिए कि ये कितना बड़ा नेटवर्क पूर्णिया के लोगों के लिए बना दिया गया है कि रात हो दिन हो बरसात हो ठंड हो लोग सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि रक्त के मामला में कार्तिक चौधरी और युवा जब 24 घंटा अपना दे रही है, इसमें अमूमन हम लोग कोशिश यही करते हैं, पहले तो जो कोई कॉल किए तो सारी जानकारी लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि घर वाले नहीं देना चाहते तो हम लोग उनको भी जागरूक करते हैं। अभी एक वाक्य है नवगछिया के लोग एडमिट थे यहाँ पे, उनकी पत्नी को ब्लड की जरूरत थी, उन्होंने नहीं रक्तदान किया, तो
मैंने उन्हें बुलाया, सारी जानकारी ली, उनको बूस्टअप किया, उनका हीमोग्लोबिन चेक कराया, 15% था, उनसे ब्लड डोनेशन करवाया, फिर और जरूरत पड़ी तो फिर समाज के रक्तवीर भाइयों के डोनर कार्ड से उनको मदद किया। जैसे कि एक कार्तिक चौधरी के नाम पे एक मिसाल है जो कि एक वर्षा में भीज कर भी लाइन बाजार वो ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, बस निःशब्द हूँ, लोगों का प्यार है, कार्य हो रहा है। कार्तिक चौधरी, युवा जागृति। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।